हाय फ्रेंड्स निशा दिस साइड मैं आपके पास एक दूसरी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ जो कि डाइवोसी मैच्यूमोनी के लिए है दूसरी चीज़ मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए ही सब बताना चाहती हूँ सो so दैट आप लोग अगर अपना पार्टनर ढूंढ रहे हो तो आप लोग बहुत केयरफुली और बहुत अच्छे से ढूंढ पाएँ और आपको एक अच्छा जीवन साथी मिले सो आई जस्ट स्टार्ट एंड स्टार्ट करने से पहले दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू एवरी वन प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपके कोई भी कमेंट्स हो वो दीजिएगा और लाइक like कीजिए और शेयर कीजिए सो दैट और लड़कियों को भी इसका कुछ फ़ायदा हो पाए तो आज का टॉपिक है मेट्री मेट्रीबोर्नी सो ऑबली इट्स स्पेशली फॉर अ डाइवर्सी वुमेन देखिए एक लड़की का एक बार डाइवोर्स होता है तो उसके बाद फिर वो बहुत मुश्किल से प्रिपेयर होती है दोबारा शादी करने के लिए कुछ सोच समझ के ही एक दूसरा स्टेप उठाती है दैट इज़ हर बेड लग के अगर उसको कोई बुरा लड़का मिल जाए वो उसके लिए कैसे पता लगेगा कि जिसको वो पसंद कर रही है वो लड़का बुरा है या अच्छा है या कैसा है तो उसके लिए मेरे हिसाब से सबसे पहले लड़की को लड़के के पेपर्स देखने चाहिए पेपर्स देखने में सिर्फ उसकी डिक्री नहीं देखनी चाहिए पेपर्स देखने में उसको लड़के के प्रॉपर पूरे पेपर मंगाने चाहिए कम से कम कुछ नहीं तो सौ पेजेस का बंडल वो तब भी होता है और मैक्सिमम मिनिमम सिक्सटी पेजेस का तब भी होगा अगर लड़का बोलता है कि उसके ऊपर 498 का केस डाला और उसका केस पाँच साल लंबा चला ग्यारह साल लंबा चला दस साल लंबा चला दैट मीन्स इट्स वेरी क्लियर कि लड़का ख़राब है बिकॉज अगर कोई लड़की इतना लंबा केस लेती है वो पैसों के लिए इतना लंबा केस कभी नहीं लड़ेगी अगर केस पाँच साल तीन साल भी खिंचता है तीन साल पाँच साल दस साल ग्यारह साल तो आप समझ जाइए कि लड़का खराब है और ये भी गारंटिड होगा कि म्यूचुअल करके बोल रहा होगा डाइवोर्स हुआ है वो म्यूचुअली वो होगा ऑब्वियसली जब कोई इतना परेशान हो जाएगा इतने साल तक केस के कोर्ट के धक्के खाता रहेगा तो इंसान परेशान ही होते हैं तो अल्टीमेटली वो क्या करता है वो बोलता है यार बैठ और साइन कर यही करते हैं तो वो ये वाली बात आप देखिए कि उस लड़के की कितनी पेशेंस लेवल है कि वो दूसरे को परेशान करने में कितने मजे ले रहा होगा तो आप अगर उसका इतना लंबा डाइवोस केस चल रहा